नमस्कार, इंडिया वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। पांच बड़े बजे की पांच बड़ी खबरों से करेंगे शुरुआत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार को पीडीए साइकिल यात्रा शुरू कर दी। इसको लेकर उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय होना पक्का है जब घूमेगा बदलाव का चक्का। बता दें कि हजारों सपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक साइकिल यात्रा की शुरुआत की गई। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से स्टेट हेड प्रियम पाठक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा निकाली गई है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ तो इसे एमपी के कांग्रेस के व्यवहार का हमला माना जा रहा है, दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए क्या कुछ खास रहा? बिल्कुल प्रियंका, देखिए सभी राजनीतिक दल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति और अपने अपने मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और जिस तरीके से मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर स्थितियां दिख रही हैं, कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो मुकाबला है वो समाजवादी दिख रही है पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिलने वाला है। और इसीलिए साफ तौर पर कह सकते हैं कि अखिलेश यादव अपने एजेंडों को लेकर जो है वो जब जनता के बीच में जा रहे हैं। दो मुख्य बिंदु हैं जिनको लेकर समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में जो है वो उसको मुद्दा बनाना चाहती है। एक नंबर एक पर है पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, और दूसरा जो मुद्दा है वो मुद्दा है जातिगत जनगणना को लेकर, जिसको लेकर वो लंबे समय से मांग करते रहे और लंबे समय से उसको लेकर वो इस बात को उठाते रहे हैं कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसके हिसाब से उसको जो है वो हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। तो साफ तौर पर, और जो ये साइकिल यात्रा है ये इनकी आज से नहीं शुरू हुई है, ये अगस्त से शुरू हुई थी साइकिल यात्रा, पूरे प्रदेश में जो है वो शुरू हो रही थी। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पे जब वो पहुंची तो वहां पर अखिलेश यादव पहुंचे और वहां से लेकर जनेश्वर मिश्र पार्क तक उन्होंने साइकिल चलाई, और कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा किया कि इस साइकिल यात्रा के जरिए एक बड़ा परिवर्तन 2024 में उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। जो 80 लोकसभा की सीटें हैं उन पर समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है वो चलेगी और कमल जो है वो कहीं ना कहीं मुरझाएगा इस बार, इस तरीके के दावे अखिलेश यादव की तरफ से किए गए हैं। समझना होगा, अगर राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो 2007 का जब चुनाव हुआ था तो उसमें बसपा की तरफ से पिछड़ा और ब्राह्मण इनको साथ में लेकर चल गए, बसपा ने पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाई थी। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उस समय साइकिल यात्रा उस समय निकाली गई थी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही निकाली गई थी, तो उसका भी नतीजा हुआ था कि पूर्ण बहुमत के साथ में समाजवादी पार्टी जो थी वो सत्ता में आई। अब एक बार फिर जब परीक्षा की घड़ी आ रही है लोकसभा का, हालांकि ये चुनाव है, जो पिछले जो प्रयास थे ये सभी विधानसभा के लिए थे, लेकिन 2022 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी के जो रणनीति थी वो कामयाब नहीं हुई और उसका शायद नतीजा देखना पड़ा कि अभी भी विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी ही जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है और बीजेपी ने इतिहास रचा। एक बार सरकार होते हुए दोबारा फिर सरकार में उन्होंने वापसी करी तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए एक इतिहास रहा है, क्योंकि यहाँ पर माना जाता था कि एक के बाद दूसरा टर्नओवर कोई भी पार्टी जो है वो नहीं करती है लगातार कंटिन्यूसली, लेकिन बीजेपी ने इस मिथ्या को भी तोड़ा। और अब जब 2024 में फिर से परीक्षा की घड़ी आ रही लोकसभा चुनाव की, तो इस बार अखिलेश यादव साइकिल लेकर जो है वो निकल पड़े हैं और कहीं ना कहीं उसके जरिए उनका मानना है कि एक बड़े परिवर्तन की हवा जो है वो प्रदेश के अंदर शुरू हो चुकी है और उसका साफ तौर पर जो नतीजा है वो 24 के चुनाव में देखने को मिलेगा। हालांकि अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए, चूंकि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन हुआ है, लेकिन अब उसमें भी फूट पड़ती हुई, गांठ पड़ती हुई इस गठबंधन में जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और उसमें समाजवादी पार्टी को अपनी इच्छा और अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप जो है वो हिस्सेदारी नहीं मिली है। और इस बात से आहत अखिलेश यादव ने बयान भी दिया कि उनको नहीं पता था कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। अगर उन्हें ऐसा पता होता कि ये इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए है तो वो इस गठबंधन में शामिल ना होते या फिर उसको लेकर वो विचार करते। और अब उन्होंने कहा है कि अगर चूंकि उनको विधानसभा चुनाव, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान के चुनाव हो, उनमें जिस तरीके से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, तो अब वो उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2024 में चुनाव होगा तो उसमें भी अन्य पार्टियों को सीट देने पर विचार करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या उनका इंडिया गठबंधन के साथ में जाने का कुछ फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर, मैंने जैसे पहले कहा कि जो मुकाबला है वो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी वर्सेज भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहने वाला है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी नहीं चाहेगी कि वो अपनी हिस्सेदारी में से यानी अपनी सीटों में से
कोई भी सीटें गठबंधन को दे, चूंकि उनको विधानसभा के जो 5 राज्यों में चुनाव हुए वहां पर इंडिया गठबंधन के तहत कोई फायदा नहीं मिला है। तो साफ तौर पर इसका कहीं ना कहीं बदला जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों के साथ में ले सकती है। और इस तरीके के बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी देखने को मिले हैं। अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर वो मान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन जो है वो नहीं होने वाला है, या फिर समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन को लेकर जो है वाद बनती हुई नजर नहीं आएगी। मायावती पहले ही अपने आप को इस गठबंधन से अलग कर चुकी हैं और उन्होंने किसी भी गठबंधन में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया है। और उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी कि बसपा 2024 के चुनाव में अकेले दम पर सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं सभी दल जो हैं अब वो अलग अलग अपनी रणनीति के तहत उतरते हुए मैदान में नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी चूंकि थोड़ा सा वक्त जरूर बचा हुआ है कुछ महीनों का, इसलिए अभी से कह पाना कि किसके पक्ष में माहौल बनना है वो मुश्किल है। लेकिन हाँ, बीजेपी हर मायने में मजबूत नजर आ रही है। अखिलेश यादव अपूर्ण रूप से अब मेहनत करते हुए पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा क्या 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव के इस पसीने को जनता की हवा मिलती है या फिर ये पसीना यूं ही बहता रहता है और सपा फिर एक बार विपक्ष के तौर पर ही उत्तर प्रदेश में रह जाती है। जी बिल्कुल प्रियम, तो जिस तरह से यहाँ पर आपने बताया कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, सभी की अपनी अपनी रणनीति यहाँ पर काम कर रही है। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी भी दोनों गठबंधन में साथ होने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों के ही प्रवक्ता इस बात को लेकर बार बार बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अभी साथ है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि ये कब तक साथ बने रह पाते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए प्रियम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। बदायूं से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां स्कूल वैन और बस की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें अब तक 5 छात्रों के साथ ही साथ ड्राइवर की मौत हुई है। वहीं 13 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायल बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जिले के डीएम और एसएसपी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। वहीं हादसे के बाद एसडीएम और सीओ ने जिले के कई स्कूल वाहनों का निरीक्षण भी किया है। खामियां मिलने पर 3 स्कूलों के 4 वाहनों का चालान काटा गया है, जिसके साथ ही एसडीएम ने स्कूल संचालकों को वाहन के कागजात सही करने के निर्देश भी दिए हैं। बेटा आपका? अमन। कौन से स्कूल पढ़ते हो? एसआरबीएस इंग्लिश मीडियम स्कूल। कौन से क्लास में? फिफ्थ। अच्छा, क्या हुआ था ये? सर वो बस वाले ड्राइवर ने दूसरे ड्राइवर पे चलवाई, तभी टक्कर लग गई। वैन में लगी? हाँ सर। वो भी स्कूल वैन थी? नहीं सर, वो बस थी। अच्छा, तुम्हारी बस थी? नहीं, हमारी वैन थी, उसकी बस। और अच्छा, उसकी बस थी। अच्छा, ये कहाँ पे हुआ? सर सिया से आगे। अच्छा, वो नबीगंज के पास? सिया से आगे। सिया गांव के से आगे भट्टी के पास उठावा, जिसमें से 15 लोग अपने घायल अवस्था में, 5 अवस्था में, जिसमें से 14 लोगों का इलाज यहीं जिला अस्पताल में चला, एक को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। ठीक है, उसमें से ओमेन नाम का जो ड्राइवर था वैन का, उसका नाम बताया। अच्छा, और कई बच्चे हैं? 13 बच्चे, 14 बच्चे घायल अवस्था में। मृतक कई बच्चे? जनपद में एक दुखद घटना हुई है, जिसमें स्कूली वाहनों से जो छोटे छोटे पढ़ने वाले शिशु हैं उनके मृत्यु और घायल होने की सूचना है। इसी क्रम में बिलसी तहसील के स्कूल वाहनों का निरीक्षण किया गया है और 3 वाहन चालकों के विरुद्ध चालान जारी किया गया है। सभी वाहनों पर फिटनेस हो, परमिट हो, लाइसेंस ड्राइवरों के पास वैध हों और उन सभी के पास वैध कागजात और ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग ना हो, इसका निर्देश जारी किया। और इसी खबर पर हमारे साथ बदायूं से संवाददाता विजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी विजय, जिस तरह से यह हादसा हुआ है बस और वैन के बीच में, इस हादसे को लेकर आपके पास क्या जानकारी पहुंच रही है, किसकी गलती से हुआ यह हादसा? ये जो हादसा है, बड़े लापरवाही ड्राइवर के चलते ये हादसा हुआ है और इसमें नया ताजा जो अपडेट है वो 20 बच्चे घायल हैं, जिसमें 19 बच्चे जो है जिला अस्पताल में भर्ती हैं और 1 बच्चा जो है मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और बाकी सभी 200 बच्चों का जो है इलाज चल रहा है। 1 बच्चे की हालत थोड़ी गंभीर बताई जा रही है। वहीं इसी को देखते हुए बिलसी एसडीएम और सीओ ने वहां के स्कूलों के वाहनों को चेक किया और उनको निर्देशित भी किया है कि किसी तरह की जो लापरवाही है और किसी तरह की जो इस तरह के जो हादसे से बचने के लिए तमाम प्रशासन जो है अब जागा है। हालांकि देखिए,
आरटीओ विभाग की पहले भी प्रशासन हमेशा सरकार निर्देशित करती रही है कि स्कूल जैसे वाहनों को फिटनेस और अन्य ट्रेंड ड्राइवर इनको दोनों बार बार इनको चेक करना चाहिए कि इनका डीएल है, ट्रेंड ड्राइवर है कि नहीं है, मगर एक छोटी सी लापरवाही जो है इतनी बड़ी घातक हो जाती है, जो कि आज बदायूं में 4 बच्चों सहित जो है एक ड्राइवर की मौत हो गई। जी बिल्कुल विजय, इस पूरे मामले में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्कूलों की साथ ही साथ कहीं ना कहीं ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ है, क्या लापरवाही यहां पर बरती गई थी? क्या ड्राइवर अनट्रेन था या उस ड्राइवर की जगह कोई और व्यक्ति गाड़ी को ड्राइव कर रहा था? जो ड्राइवर साहब बस का वो बताते हैं कि बताया जाता है कि दूसरे चालक को उसने बस दे दी थी और वो अनट्रेन था, जिसके चलते इसने बस को जो है वैन में टक्कर मार दी और वैन में टक्कर लगने से जो वैन में सवार 25 बच्चे जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें 4 बच्चों की मौत हो गई है, 20 बच्चों का भी इलाज चल रहा है। विजय, ये जो तमाम जानकारी निकल के सामने आ रही है, इसमें जिस ड्राइवर की मौत हुई है वो वैन का ड्राइवर था या बस का ड्राइवर था, इस बारे में कोई जानकारी अब तक आपके पास पहुंची है? देखिए जी, जो 25 वर्षीय ड्राइवर ओमेंद्र कुमार है वो वैन का ड्राइवर है और वैन का ड्राइवर की जो है मौके पर ही मौत हो गई है। इनमें 2 बच्चे जो 6-6 बरस के बच्चे हैं, खुशी और हर्षित, जिनकी दोनों की मौत हो गई है। बाकी 2 बच्चे 10-10 वर्ष के हैं, प्रदीप और कौशल्य पुत्री है, ये छात्रा है। तो 2 छात्रों की। इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। रायबरेली में पीईटी परीक्षा के दौरान 2 मुन्ना भाई पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जहां 2 मुन्ना भाई किसी अन्य जगह की परीक्षा दे रहे थे। 1 मुन्ना भाई कोतवाली थाना इलाके के फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज से पकड़ा गया, जबकि दूसरे को मिल एरिया थाना इलाके में फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज से पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीओ सदर अमित सिंह के मुताबिक फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में पकड़ा गया मुन्ना भाई जौनपुर का रहने वाला जितेंद्र यादव है, जो अभिषेक यादव की जगह परीक्षा दे रहा था। दूसरा बिहार का रहने वाला दीपू कुमार है, जो मिल एरिया थाना इलाके के फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में जौनपुर में प्रमोद कुमार के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। सीओ अमित कुमार का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, तथ्य संकलन के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता राजू तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। जी राजू, ये पूरे मामले में जिस तरह से कहीं ना कहीं दूसरों की जगह पे पेपर देने वाले लोगों को पकड़ा गया है, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, बता दें कि रायबरेली जिला प्रशासन की सख्त निगरानी में यहाँ पे पीटी की परीक्षा चल रहा था, जिसके दौरान पुलिस की सक्रियता और जो जिला प्रशासन है उसकी सक्रियता के चलते दोनों मुन्ना भाई हिरासत में लिए गए हैं और पुलिस के हत्थे चले हैं। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में जौनपुर का रहने वाला जितेंद्र यादव, जो अभिषेक यादव की जगह पर पीटी की परीक्षा दे रहा था, हालांकि आपको बता दें शक के आधार पर जो है इसको हिरासत में लिया गया, जिसके बाद इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और पूरा मामला फिर प्रकाश में आया। वहीं आपको बता दें कि दूसरा मुन्ना भाई भाई भी रायबरेली जिले में ही एग्जाम दे रहा था, जो मलेरिया थाना क्षेत्र के फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में दे रहा था। हालांकि आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी के बीच में ये पूरी तरह से पेपर दिलवाया जा रहा था। कहा जा सकता है कि रायबरेली प्रशासन जो है पूरी तरह से सक्रियता के चलते दोनों मुन्ना भाई घर दबोचे गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि पूरी तरह से अगर देखा जाए तो जिस समय एग्जाम चल रहा था पूरे समय रायबरेली जिलाधिकारी हर्षिता माथुर एक्शन मोड में दिखाई पड़ी और लगातार उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही थी, उनके द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि इस तरह का बड़ा नकली जो है पकड़ा गया। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि कड़ाई से पूछताछ करने का प्रयास किया जा रहा है, अभी भी तथ्य संकलन करने का प्रयास किया जा रहा है और इससे पूछताछ ये भी किया जाएगा कि इससे पहले उसने कभी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है कि नहीं। इस तरह की कई एंगल पुलिस इससे जो है खंगालने का प्रयास कर रही है, तथ्य संकलन करने की बात कर रही है। लेकिन आपको बता दें सीओ सिटी अमित सिंह के नेतृत्व में जो है जो दोनों मुन्ना भाई पकड़े गए हैं इन दोनों से पूछताछ की जा रही है और अभी तक पूरे मामले के में जो है FIR दर्ज हो गई है और कहीं ना कहीं राजू ये दोनों ही आरोपी जो पकड़े गए हैं यहाँ पर नकली परीक्षा देने के उसमें, ये क्या आपस में इन दोनों का भी कोई कनेक्शन है, क्या किसी नेक्सस के तहत जुड़े हुए हैं ये? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यही चीजें सारा कुछ तथ्य संकलन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि एक बड़ा खुलासा भी हो सकता है
और कहीं ना कहीं जो इससे पहले भी अगर इस तरह की वारदात को इनके द्वारा अंजाम दिया गया होगा तो वो भी सारे तक निकाले जाएंगे जी। और इस तरह से कई एंगल पे जो है अलग अलग एंगल से पुलिस पूछताछ करने का प्रयास कर रही है जी। बिल्कुल राजू, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। फतेहपुर से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। सूचना पर पुलिस ने चंगाई सभा में मारा छापा। मौके से बाइबल और मिशनरी से जुड़ी पुस्तकें हुई बरामद। मुंशी रैदास के घर पर चल रही थी चंगाई सभा। महिला पुरुष बच्चे सहित आधा सैकड़ा लोग सभा में मौजूद। दलित गरीब लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने का आरोप। वीएचपी के प्रांतीय उपाध्यक्ष ने दी आंदोलन की धमकी। वहीं पुलिस के द्वारा कार्रवाई ना करने का भी आरोप। सूचना पर पुलिस ने चंगाई सभा में मारा छापा। मौके से बाइबल और मिशनरी से जुड़ी पुस्तकें हुई बरामद। फतेहपुर से बड़ी खबर, पुलिस के द्वारा कार्रवाई ना करने का भी आरोप। चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल जारी। भारी संख्या में महिला गरीब और बच्चों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण का मामला। मौके से बाइबल और मिशनरी से जुड़ी पुस्तकें हुई बरामद। मुंशी रैदास के घर चल रही थी चंगाई सभा। महिला पुरुष बच्चे सहित आधा सैकड़ा लोग सभा में मौजूद। गरीबों और बच्चों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण का मामला। दलित गरीब लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने का आरोप। वीएचपी के प्रांतीय उपाध्यक्ष ने दी आंदोलन की धमकी। पुलिस के द्वारा कार्रवाई ना करने का भी आरोप। और इसी खबर पर हमारे साथ फतेहपुर से संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पुतुल तिवारी जी। पुतुल, जिस तरह से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इसमें क्या कुछ खुलासा हुआ है? लगातार धर्मांतरण का मामला फतेहपुर जिले में चल रहा है। आपको बता दें, ये एक चंगाई सभा की आड़ में सामूहिक धर्मांतरण का मामला एक बार फिर सामने आया है। एसआई मशीनरी से जुड़े लोगों का आरोप कि घर के अंदर चंगाई सभा का आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रलोभन देकर सामूहिक धर्मांतरण करवा रहे थे, तभी सभा में मौजूद कुछ लोगों ने सामूहिक धर्मांतरण की सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं हिंदू संगठनों ने इसका लगातार विरोध किया है कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जिस तरह से पुलिस को सूचना मिली है, छापेमारी के बाद बाइबल और तमाम मिशनरी से जुड़ी हुई चीजें भी बरामद हुई है, इसके बावजूद भी पुलिस पर यह आरोप लग रहा है कि कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले को छुपा रही है, लगातार पुलिस इस मामले को दबा रही है, क्योंकि लगातार फतेहपुर जिले नहीं अन्य उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में धर्मांतरण का मामला लगातार हो रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले को दबा रही है, क्योंकि इस पे हिंदू संगठनों का आरोप है कि कहीं ना कहीं इस पर पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप हिंदू संगठनों की बात कर रहे हैं, लगातार जिस तरह से दबाव है, अब इस पूरे मामले में पुलिस आगे अभी क्या कर रही है? छापेमारी के बाद क्या पुलिस के द्वारा दबाव में ही सही, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई पहला कदम उठाया गया है? पुलिस इस मामले को लेकर कप्तान साहब का ये मामला चल रहा कि इस पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर यदि कुछ लोग यदि पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये फतेहपुर जिले के खगड़िया थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। जी बिल्कुल, ये चंगाई सभा की जो बात आप कह रहे थे, मुंशी रैदास के घर पे ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर मिले हैं जो उस सभा में मौजूद थे। ये कार्यक्रम क्या रोज चलता था, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? लगातार ये गरीब परिवारों में झाड़ फूक वगैरह इस पे कार्यक्रम करवाते थे, यहाँ पर पूजा पाठ करवाते थे, और ये जानकारी आ रही है कि ये लोग गरीब लोगों को पैसे देकर क्या कहते हैं धर्मांतरण करवाते थे, इसकी जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में पुलिस अभी भी हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है? जी जी, अभी इस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं किया। इसमें हिंदू संगठनों के काफी आरोप भी लगाया कि इस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो इस पर एक आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल पुतुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखीमपुर खीरी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां शहर से राजापुर स्थित अवैध खाद कारोबारी मनीष गुप्ता की 14,25,125 रुपए की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। मनीष गुप्ता पर गैंगस्टर एक्ट की धारा के साथ गैंगरेप और कई गंभीर धाराओं में मेंगलगंज गोला सहित अलग अलग स्थानों में मुकदमा दर्ज है। जब्त की गई कार्रवाई में 6 मकान, 2 फैक्ट्री, 4 एकड़ जमीन के साथ ही साथ एक फॉर्च्यूनर, 8 ट्रक और 2 मोटरसाइकिल, 1 बोलेरो पिकअप, कुल 12 गाड़ियां कुर्क हुई हैं, जिसमें 30,14,25,125 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखीमपुर खीरी से संवाददाता रामजी सिंह बादा लाइव जुड़ चुके हैं। जी रामजी, जिस तरह से यहां पर ये संपत्ति कुर्क होने की पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ पूरी अपडेट है? देखिए आपको आपको बता दें, जो मनीष गुप्ता है, नकली खाद कारोबारी का बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया था लखीमपुर खीरी में। लगभग 5 महीने पहले की बात है, राजापुर मंडी के इंडस्ट्रियल एरिया में जिस तरीके से उनकी खाद फैक्ट्री थी, खाद फैक्ट्री में जिस तरीके से जब एग्रीकल्चर और जो कृषि विभाग के अधिकारी ने जो छापा मारा था, उस छापे के दौरान बड़ी बड़े ब्रांडेड कंपनियां की वो जो बड़ी बड़ी खाद निर्माता कंपनियां हैं, करीब 10,000 बोरे ऐसे मिले थे जिनपे, और जो बनाने के उपकरण थे जिसमें नकली तरीके से जो मशीनें मिली थी, उसके अलावा जो नकली खाद बनाने में जो बनाने वाली जो विधि है, जो चीजें मटेरियल है, वो सब सारी चीजें मिली थी। अधिकारियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते की है। वही आपको बता दें कि लगभग लखीमपुर खीरी में बड़ी कार्रवाई जिस तरीके से गैंगस्टर एक्ट के तहत 30,14,00,000 रुपए की जिस तरीके से इनकी जो संपत्ति है उनको सीज किया गया है, जो इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां लग्जरी गाड़ियां थी इनको सीज किया गया है, जो इनके मकान है मैगलगंज में थे, गोला में थे, लखीमपुर खीरी में, उनको सबको जिला प्रशासन ने सुबह 10 बजे से ही पहुंच कर सीज कर दिया गया है। और बाकायदा जो मनीष गुप्ता है गिरफ्तार हो चुके हैं, गैंगस्टर जेल में है। वहीं इस मुकदमे की अगर बात की जाए तो जो इनके मुकदमे है मितौली में है, मैगलगंज में, लखीमपुर की सर कोतवाली में है, 419 गंभीर अपराध के तहत किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि जो इनके जो बेटे हैं, जो इनके नाम से जो फैक्ट्री थी जो पकड़ी गई थी, वो बेटे अभी फरार हैं। वहीं आज जो पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसमें यह भी जानकारी दी गई कि इनके बेटे को जल्दी पकड़ लिया जाएगा। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से मनीष गुप्ता की गिरफ्तारी आप बता रहे हैं, बेटे के ऊपर भी लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई जारी है, हालांकि अभी वो फरार है, क्या इस पूरे मामले में परिवार के और सदस्य और साथी कारोबारी अन्य सदस्यों पर भी कार्रवाई हो सकती है, कुछ और खुलासा हो सकता है? जी बिल्कुल, जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह है, उन्होंने साफ कहा है कि जो इनसे मिले जुले लोग हैं उनसे भी कार्रवाई हो सकती है। और बाकायदा हम हमारे मॉनिटरिंग में सारे लोग आ चुके हैं, इस पे भी हम लोग सर्च कर रहे हैं, उनके टेलीफोन नंबर है, CDR देखी जा रही है कि मनीष गुप्ता की किस किस लोगों से बात होती थी। वहीं आपको बता दें कि जो इंडो नेपाल बॉर्डर है लखीमपुर खीरी से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ देखा जाए तो, वहीं बता दें कि जो मनीष गुप्ता का एक रैकेट था, जो खाद था, जो अन्नदाता था, उसके साथ एक बहुत अच्छा लोग कपट किया जा रहा था। अब बाकायदा अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो जो कृषि विभाग के जो बाहू हैं, अधिकारी हैं, अगर उनको अभी तक भनक ही नहीं लग पाई थी कि शहर से मुश्किल 3 किलोमीटर दूरी पर इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, जिसमें 10,000 बोरियां बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनियों की खाद की बनाई जा रही है, बाकायदा उसमें मॉरंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अन्नदाता है खाद की बोरियां लेता है, उसके बाद जब डालता है खाद, तो उसके साथ क्या होता होगा? जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि अवैध धंधा लगातार चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों के नाक के नीचे ये तमाम खेल चल रहा था, इस पूरे मामले में क्या विभाग के खिलाफ भी आगे किसी तरह की कार्रवाई होनी है? देखिए यहाँ के जो कलेक्टर है उनसे भी बात हुई है, जहाँ के जो SP है वहाँ से बात हुई, वही जो कृषि विभाग के जो अधिकारी है, अभी आपको बताने इसके पहले जो यहाँ के जो कृषि अधिकारी के बड़े अधिकारी थे उनसे मनीष गुप्ता का कुछ हुआ था, जो सूत्रों से जानकारी मिली थी, उसमें भी काफी चर्चाओं का बाजार गर्म था। बताया जा रहा है कि उसके बाद ही छापा डाला गया, छापे के दौरान जिस तरीके से इन पे कार्रवाई की गई, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक जीनियस क्राइम जो अन्नदाता से क्राइम और जिस तरीके से खास नकली छल कपट किया जा रहा था, और अधिकारियों को किसी सूचना ही नहीं मिली कि कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। जी बिल्कुल राम जी, तो जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं मनीष गुप्ता के साथ ही साथ कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारियों की भी मिलीभगत थी, जिनके साथ ही साथ ये पूरा धंधा यहाँ पर चल रहा था, क्या लगता है आपको कि मनीष गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद अब इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ हो सकता है और भी लोगों के ऊपर गाज गिर सकती है पुलिस की, जिसमें अधिकारी से लेकर विभाग के कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जो पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्हें बताया भी किस तक की सुई हमारी और भी चल रही है, हमारी जांचें चल रही हैं, अब जिस तरीके से जो लोग जुड़े हुए थे, जो और भी कारोबारी हो सकते हैं जिनके खाद पहुंचाई जा रही थी,
जैसे कि मैगलगंज में जो इनके इनके जो भाई वगैरह हैं बाकायदा मितौली में एफ आई आर हुई है, मैगलगंज में गोला की हुई है। और अगर देखा जाए तो मनीष गुप्ता का एक क्राइम रिकॉर्ड बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, बाकायदा जो बड़े 3/7 के मुकदमे हैं, 373 जैसी हीनियस क्राइम महिला अत्याचार का है, उसके बावजूद 419-20 के कई मुकदमे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इतनी बड़ी गिरफ्तारी भी इस तरीके से लेट हुई तो कहीं सोचने का विषय है। जी बिल्कुल राम जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।